अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आप सबको खुश रखे। आज हम बना रहे हैं लाहौरी चने, जो कि लाहौर के बहुत ही मशहूर चने हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो चने छोटे वाले रात को भिगो दिए थे, अब सुबह वो पानी हमने इसका निकाल दिया है। चने भी अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया साबुत और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करेंगे। मीठा सोडा हमने रात को डालकर नहीं भिगोया था, तो इस वक्त ऐड करेंगे। अगर रात को डालकर भिगोएं तो फिर उसी तरह से चने रखने हैं, उसको पानी जो निकालना नहीं है, तो मैंने वो पानी निकाल दिया है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, 2 किलो में इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ और इसको गलने के लिए रख देंगे। चने हमारे बॉयल हो रहे हैं, 10 मिनट हो चुके हैं बॉयल होते हुए। अब हम बाकी इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ और अपना काम शुरू करते हैं। 1 कप एंड 1/4 कप यानी 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज यानी 1 पाव तकरीबन है ये प्याज, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। और ये इस तरह से थोड़े से पर्पल कलर में इसलिए है कि ये प्याज थोड़े गहरे कलर में जो होते हैं वो वाला प्याज था। 5-6 अदद सब्ज़ मिर्चें, इनका भी पेस्ट बना लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून दोनों चीज़ें। और ये है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून खुशक धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 पिंच जायफल जलवत्री का पाउडर, 2 अदद बड़ी इलायची और 4 अदद छोटी इलायची, और यहाँ ये है 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और ये है 1/4 टीस्पून टार्टरी यानी सिट्रिक एसिड, ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून मीठा सोडा यहाँ और ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गरम होने पर हम इसके अंदर प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही सब्ज मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 8 मिनट के लिए प्याज लहसुन अदरक और सब्ज मिर्चों को मैंने भून लिया है, अच्छे से इसकी भून जाने की खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी, रेड चिली पाउडर, नमक, खुशक धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जायफल जलवत्री पाउडर, मेथी दाना, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और कसूरी मेथी। बिस्मिल्लाह। ये सारी चीज़ें डालकर हम इसे भूनेंगे। सारे मसाले डालने के बाद मैंने मज़ीद 4-5 मिनट के लिए इनको भून लिया है। अब हम इसके अंदर बॉयल किए हुए, मैश किए हुए आलू ऐड करेंगे। ये मैं वीडियो में इंग्रेडिएंट में दिखाना भूल गई थी, स्किप हो गया था, तो यहाँ पर हम बॉयल किए हुए 1 पाव आलू हैं, ये 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू थे जिनको बॉयल करके मैंने मैश कर लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इनको भून लेंगे। ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसलिए 1 खाना पकाने वाला चम्मच और ऐड कर रही हूँ। आलू डालने के बाद भी 5-6 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया। कुछ लोग इसमें मुर्गी के पंजे उनका शोरबा डालते हैं, उससे भी ये मज़ेदार बनते हैं, तो अगर वो डालना चाहें उस तरह से तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं वैसे भी बनाना सिखा दूँगी। तो यहाँ पर अभी हमारे चने जो हैं वो अच्छी तरह से नहीं गले, चने को हमने प्रॉपर अच्छी तरह से गला कर फिर इसके अंदर ऐड डाल करना है। लेकिन मसाला हमारा तैयार हो चुका है इसलिए अब मैं थोड़ी देर के लिए चूल्हा बंद कर रही हूँ ताकि चने जो अच्छी तरह से गल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चने हमारे गल चुके हैं, चने को अच्छी तरह से हमने गलाना है। ये देखें छिलके उतरना शुरू हो चुके हैं, इतने हम गलाए हैं। अब हम इस चनों को इस मसाले के अंदर ऐड करेंगे, इनको मिक्स करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिक्स करने के बाद हम इसको 4-5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे इस मसाले के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने डालने के बाद 6-7 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है। चने जब डालने हैं तो पानी जिसके अंदर हमने बॉयल किया है पानी समेत ही डालने हैं, पानी निकालना नहीं है। यहाँ पर हम इसके अंदर काली मिर्च और सिट्रिक एसिड यानी टाटरी ऐड करेंगे। टाटरी ऐड करने से चने जो हैं हमारे बैठेंगे नहीं। इनको मिक्स करने के बाद फिर से हम 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4-5 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर गरम मसाला और मीठा सोडा ऐड करेंगे। और सब्ज़ धनिया को काट कर मैंने वॉश कर लिया है, ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दो मिनट के लिए पकाएंगे। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे क्योंकि नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है। यहाँ पर आप इसको चेक करके ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं लाहौरी चने, ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर तनेर भी किस तरह आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इसके अंदर शोरबा ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, गाढ़ा गाढ़ा सा ही इसका टेक्सचर होना चाहिए।